सो हेलो गाइस, मेरा नाम विवेक और आज की वीडियो भी है बहुत ही खास, क्योंकि गाइस लास्ट डे हमने वीडियो बनाया था बैरमपुर के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहां पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और आज की वीडियो है सेहरमपुर पे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेहरमपुर। सो स्पेशली गाइस, मैं ऐसे ही लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये कॉलेज उससे ज़्यादा अच्छा है, पर इसकी कट ऑफ है उससे कम, तो मतलब आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, तो इसलिए सोचा कि चलो बना ही देते हैं वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से बात करेंगे सेहरमपुर के बारे में, और बाद में आप मुझे बताना कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा कॉलेज ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे सेहरमपुर कॉलेज के बारे में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है। और इनमें से गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं GCETTS.org में, आप इनकी वेबसाइट में सब कुछ देख सकते हैं। पर सच्ची में मैं बताऊँ, वेबसाइट का जो कंडीशन या फिर वेबसाइट की जो आउटलुक है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर आप देख ही समझते हो। और गाइस, सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसकी कैंपस एरिया, और मुझे कैंपस एरिया काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1908 में बना था, तो आप समझ ही सकते हो कि कैसा रहेगा एटमोसफियर। सो गाइस, सबसे चलिए बात करते हैं एकेडमिक डिटेल्स की। तो एकेडमिक डिटेल्स काफ़ी अच्छी है और एक्साइटमेंट भी जगाती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको 38 सीट्स मिलती हैं, और जिनमें से गाइस फैकल्टी रेशियो देखें तो वो भी ऑलमोस्ट आपकी 20% के करीब आ जाती है। मतलब 40 के अगर 88 आ जाए तो 40% तो हो ही गया, 20% तो हो ही गया सॉरी। और यहाँ पर गाइस CSE मिलेगा आपको, IT मिलेगा, टेक्सटाइल मिलेगा, या फिर अप्रैल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट मिलेगा। तो ये अप्रैल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अलग सा ब्रांच है, आप लोगों को अभी तक सुनाई नहीं दिया होगा किसी भी वीडियोस में, पर गाइस यहाँ पर ऑफर हो रही है। और सबसे खास बात यहाँ पर लगी गाइस कि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में कोई सीट नहीं है, पर यहाँ पर गाइस लाइब्रेरीज अच्छी हैं, नंबर ऑफ़ टाइटल्स इन लाइब्रेरी भी अच्छी दी है। और सबसे अच्छी बात लगी गाइस, बॉयज़ हॉस्टल 100 सीट्स ऑफर करेगी आपको, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगी, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगी, बॉयज़ कॉमन रूम है और गाइस गर्ल्स कॉमन रूम भी है। अब साइज यहाँ पर बैरमपुर और सेहरमपुर में एक डिफरेंस उभर के आता है, दैट इज़ अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। क्योंकि गाइज फीस स्ट्रक्चर जो है सेहरमपुर का सिर्फ 3000 रुपीज़ है पर सेमेस्टर, पर यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि CSE का जो एंट्री चार्ज भी है वो 11000 के करीब आ रहा है, 11400 रुपये। और उसके बाद गाइज आप जो सेमेस्टर फीस देख रहे हैं वो 6000 रुपये करके आ रहे हैं। तो गाइज यहीं पर आ जाता है बड़ा डिफरेंस कि बैरमपुर इससे सस्ता कॉलेज है, पर यहाँ पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की भी सिर्फ 3000 रुपये है जो वहाँ पर था, पर यहाँ पर गाइस अप्रैल एंड मैनेजमेंट का भी 6000। और सबसे ज़्यादा महंगा है IT ब्रांच, क्योंकि गाइस IT ब्रांच है नया। पर गाइस ओवरऑल में अगर मेरी बात करें तो मैं कहूँगा ये कॉलेज बैरमपुर से अच्छा इस स्ट्रक्चर में है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोर्सेज ऑफर की जा रही हैं, तो गाइस यहाँ पर जो एक्सप्लोजर होगा आपका वो ज़्यादा होगा। ये मेरी व्यू है, आपको कैसा लगता है ये व्यू मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और चलिए बात करते हैं प्लेसमेंट रेशियो की। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है बैरमपुर और इसमें, तो बैरमपुर की गाइस एवरेज प्लेसमेंट जो इन कैंपस है वो है 30-40%, पर गाइस यहाँ पर जो है मैंने 35-40%, पर यहाँ पर है गाइस 80-75, जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, और ऐसा लगता है कि ये कॉलेज में ज़्यादा कंपनीज आती हैं। मैक्सिमम CTC की बात करें तो गाइस वहाँ से और यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। वहाँ पर 2017 में 1,500,000 ऑफर हो गई थी, पर गाइस यहाँ पर उतना ऑफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर 72 है, फिर यहाँ पर है गाइस 7 लाख ऑफर हो रहा है, फिर यहाँ पर 7,20,000, या फिर 6, तो बहुत अच्छा भी है या ज़्यादा बुरा भी नहीं है, पर एवरेज अच्छा है। पर एवरेज CTC की बात करें तो गाइस उतना लाजमी नहीं है, पर गाइस वहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2.75 के करीब है, तो आई थिंक गाइस वहाँ से तो अच्छा ही है। अब गाइस यहाँ पर हम देखेंगे इनके कुछ इमेजेस जो इन्होंने ऑफर की है, और अगर इनकी जो फोर्थ इमेज आप देखें तो समझ पाएंगे कि एक अच्छी ग्राउंड आपको मिल जाती है, और कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, पर गाइस एवरेज से अच्छी है, ठीक है। ये ज़रा सा स्टाइल पे है, अपन का स्टाइल चलता है ब्रो। तो चलिए गाइस बहुत मजाक हो गया, अब बात करते हैं डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की। तो गाइस अगर आपको डोमिसाइल है तो भी आप इस कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा काउंसलिंग वाले पेज पे लिखा है। अब गाइस यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको जनरल सीट सिर्फ 19 मिलेंगे, 19-18 के करीब मिलेंगे, और सब कास्ट के ऊपर डिवाइडेड है। और 2 सीट आपको जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर बताई जा रही है कि आपको TFW सीट 6 या 5 ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, उनको बहुत ही कम नॉलेज है ये सब के बारे में। सो बेसिकली गाइस 5% होता है TFW सीट किसी भी सीट को कंपेयर करने पर, मतलब आपका हो गया 40 अगर सीट्स हैं तो 5% होता है 2 सीट्स। तो गाइस जरा सा ब्रेन लगाइए अपना, क्या कर रहे हैं आजकल आप, तो ये सब को देखिएगा तो फिर चलेगा आपको। अब बात करते हैं 2019 के कट ऑफ्स की। तो यहाँ पर मैंने कॉलेज दुनिया साइट्स की हेल्प ली है इसको लिए, और मैंने इसे स्पेशली चेक किया है कि
ये मेन साइट से मैच करती है कि नहीं, तो 100% मैच करती है। अब 2019 की बात करें तो गाइज यहाँ पर कुछ आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है वो सिर्फ 5000 मतलब 6000 के करीब है। सो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू बेरमपुर। पर यहाँ पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखें या फिर एप्रिल प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ्स है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है कि आपके पास अगर 10000 तक की रैंक है तो यू मस्ट अप्लाई। एनी पर अगर एसटी कैटेगरी है तो गाइज 30000 तक आपकी चांसेस बन जाती है। यहाँ पर एसटी कैटेगरी हो तो 50-60 हज़ार चांसेस बनती हैं। और गाइज बहुत ही अच्छी बात यह है कि गाइज यहाँ पर आप अगर ओबीसी ए ओबीसी बी कैंडिडेट हो तो पहले तो सीट बदल जाता था, पर गाइज अब से सीट फिक्स रहेगा आपके लिए, तो आपको यहाँ पर चांसेस बन जाती हैं। ओबीसी ए ओबीसी बी कैटेगरीज लोग के लिए भी अच्छी चांसेस है, 10000-12000-15000 तक की यहाँ पर कट ऑफ्स घुस जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है अप्रैल प्रोडक्शन में 20000 तक की चांसेस बनती है आपकी। और गाइज टीएफडब्ल्यू की बात करें तो गाइज टीएफडब्ल्यू आपको बस 11000 के करीब अप्रैल प्रोडक्शन, और अगर आपको 6-7 हज़ार हो तभी आपके यहाँ पर लगेगी। तो अभी तक अगर बात करें गाइज 2019 के कट ऑफ्स देखने के बाद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा अच्छे मैंने ज़्यादा ही कट ऑफ्स है। पर गाइज यहाँ पर जैसे कंपैरेटिवली देखें तो बैरमपुर से ज़रा पहले ज़्यादा लिखा, पर यहाँ ही पर 2018 देखोगे तो आपको बैरमपुर से कम दिखेगा। क्योंकि गाइज 2018 में देखो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आपको 9000 तक मिल जा रही है, यहाँ पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आपको 12000 में मिल जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14000 में, और अप्रैल प्रोडक्शन आपको 24000 में मिल जाती है। तो यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है कि गाइस ये कॉलेज मतलब ज़्यादा चीज़ें दे रही है। एसटी कैटेगरी में देखिए गाइस यहाँ पर आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 1 लाख में मिल जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई गाइस। हाँ एसटी कैटेगरीज लोग के लिए तो बहुत छूट होता ही है, पर एससी कैटेगरीज की बात करें तो 50000 तक आपको मिल सकता है। ओबीसी ए की बात करें तो गाइस ओबीसी ए में ज़्यादा कट ऑफ्स होती हैं, तो यहाँ पर देखो 30000 तक आपको टेक्सटाइल मिल जाता है, और यहाँ पर 12-13 हज़ार में आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर डायरेक्टली ओबीसी बी की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पर भी ओके एंड एवरेज कट ऑफ्स हैं, 14-15 हज़ार 25 हज़ार तक आपको अप्रैल प्रोडक्शन मिलेगा। पर टीएफडब्ल्यू की बात करें तो गाइज टीएफडब्ल्यू की बात करें तो गाइज आपको 10000 तक की रैंक लगेगी, और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखो टीएफडब्ल्यू में 12000 तक पहुंच जा रहा है, तो यू मस्ट अप्लाई अगर आपको टीएफडब्ल्यू के द्वारा सीट चाहिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। देखो भाई अगर नहीं मिलता ना सीएसई तो आप यहाँ पर आईटी ले सकते हो, क्योंकि गाइस कंपनीज जो आएंगी अगर सीएसई कैंडिडेट हो तो आईटी को भी बैठने देती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। पर गाइस यहाँ पर बात करें अप्रैल प्रोडक्शन की तो यहाँ 14000 तक। सो चलिए गाइस अब बात आएगा ये मेरी रिव्यू की, तो मैं इस कॉलेज को अच्छा खासा रिव्यू दूंगा, क्योंकि गाइस मुझे बैरमपुर जैसा ये कॉलेज उतना ज़्यादा लो नहीं लगा, पर इनकी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने दिखाई है, इनकी जो अंदर की साइट दिखा, बस सिर्फ साइट को लेकर एक डिसएडवांटेज है कि साइट उतना सुंदर नहीं है, पर वो मैटर ही नहीं करता कोई इशू में। तो इसलिए गाइस मुझे तो ओवरऑल ठीक लगा, पर ज़्यादा रैंक लग रहा है यही एक इशू है इस कॉलेज में। पर आप अगर ओवरऑल बात करें तो मुझे कॉलेज बहुत ही पसंद आया, और अगर कंपैरेटिवली देखें तो हाँ भाई कुछ टॉप गवर्नमेंट से तो कम है, पर ओवरऑल में देखें तो बैरमपुर से मुझे ये बहुत ही अच्छा ये कॉलेज लगा। आपकी क्या रिव्यू है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कंप्लीट गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीरीज़ चाहिए तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर मैं टाइमिंग्स बता दूंगा, और उस दौरान आप हर एक वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस कवर कर दिए हैं, पर फॉर अ न्यू व्यूअर मैं ऐसा करूँगा। और गाइस और भी एक चीज़, हम लोग अब प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियो तो टोटल बना चुके थे, पर हम कट कट करके उस वीडियोज़ को अपलोड करेंगे इन बिटवीन, तो उस वीडियोज़ को अगर आप नहीं एक्सेस करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को कर सकते हो लाइक और चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। और एक क्वेश्चन है हमारा एंड में कि गाइज हम एक कोर्स माने जो पाइथन की कोर्स होती है या फिर किसी के पर्टिकुलर कोर्स होती है, उस कोर्स के लिए सोच रहे हैं एक अलग चैनल बना लें, उस चैनल पे हम लोग पूरा कोर्स अपलोड करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैशअप हो जाता है कॉलेज और ये सारे कोर्सेज में। सो आपको क्या व्यू है मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, अगर इतना दूर तक देख रहे हैं तो पक्का बता ही दीजिएगा। तो चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिएगा पक्का। तब तक बाय।